जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल टेस्ट जरा हटके में। मैंने आज चने के दाल का लड्डू बनाया है। आपने बेसन का तो बहुत लड्डू खाया होगा, बट आज चने के दाल के लड्डू बनाना सीखिए। खाइए, बनाइए, फैमिली वालों को खिलाइए, बहुत पसंद आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है आपको पता ही है। इसके लिए आपको अंत तक वीडियो देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा मैंने इसको कैसे बनाया है। मैंने पूरा डिटेलिंग के साथ बताया है, तो आप लोग अंत तक वीडियो देखिए और सीखिए मैंने इसको कैसे बनाया है। मैं शुरू करती हूँ, आप लोग इसको देखिए। चने की दाल की बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लड्डू। चने के दाल के लड्डू के लिए मैंने 250 ग्राम चने के दाल लिया है, बिल्कुल फ्रेश है। उसी के साथ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया है, जिसमें बादाम है, अखरोट है और काजू है। इसको मैं ड्राई रोस्ट करूंगी। कढ़ाई गर्म होने के बाद मैंने उसमें चने के दाल और ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है। इसमें घी तेल कुछ भी नहीं डालने का जरूरत है। ऐसे ही ड्राई रोस्ट कीजिए, मीडियम फ्लेम पे कीजिएगा, ताकि चने अच्छे से ये पक जाए। हाई हीट नहीं कीजिएगा। हाँ, अगर आप 2 किलो या 1 किलो ले रहे हैं चने के दाल, तो हाई हीट पे चलेगा, बट मैंने यहाँ पे 250 ग्राम लिया है, तो मीडियम फ्लेम पे ही इसको रोस्ट कीजिए, नहीं तो जल जाएगा और बढ़िया से पकेगा नहीं। इसको ऐसे ही रोस्ट में कर लो। मीडियम फ्लेम पे भूनते हुए मुझे 7 मिनट के करीब हो गया है और बढ़िया से ये पक गया है। देखिए कितना बढ़िया चने में ये स्पॉट्स आ गए हैं चने के दाल में, और ये बादाम है, देखिए कैसे क्रेक हो गया है। इट मीन्स ये पक चुका है। और सबसे बड़ी बात, ये जब पक जाएगा तो इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आएगी, इससे आपको पता चलेगा ये पक चुका है। अभी क्या कीजिए, इस टाइम पे फ्लेम को कर दीजिए ऑफ और प्लेट में निकाल के इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। और जब बढ़िया से ये ठंडा हो जाए, तभी मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसको बढ़िया सा पाउडर बना लीजिए। मैं पाउडर बना के दिखा, ये देखिए कितना बढ़िया पाउडर बन गया है। बट अभी थोड़ा सा दरदरा है, इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसको चाल लूंगी। इसको चलनी में ऐसे डाल लीजिए, इसको चाल लीजिए, और वापस जो दरदरा निकलता है उसको वापस से पीस लीजिए, उसको चाल लीजिए बढ़िया से। देखिए थोड़ा सा निकलेगा ही, इसको वापस से पीस लीजिए और पाउडर बना लीजिए। मैंने यहाँ पे 9 इलायची लिया है, इसका मैं पाउडर बना लूंगी। मैंने पाउडर बनाकर छान लिया है, देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। इसमें इलायची पाउडर भी डाल दिया है। शुद्ध घी को मेल्ट करके मैंने रख लिया है, ये 150 ग्राम के करीब शुद्ध घी है, इसको मैं इसमें डालूंगी। इसको मेल्ट कर लीजिएगा, इसमें अच्छा खासा शुद्ध घी लगता है, शुद्ध घी यूज कीजिएगा, बेस्ट रहता है। और इसी के साथ मैंने शुगर का बूरा यूज किया है, ये कहीं भी आपको किराना स्टोर में मिल जाएगा। लेकिन आपको अगर नहीं मिल रहा है तो चीनी का पाउडर बना लीजिए, बट मैं बोलूँगी बूरा शुगर का ही यूज कीजिए, ये बेस्ट रहता है। ये भी मैंने 125 ग्राम के, 125 ग्राम के करीब में यूज किया है। इसको डाल दूंगी, इसी के साथ इसको मिक्स करूंगी। मैंने इसको बढ़िया से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, घी एक साथ कभी भी नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, नहीं तो पता चले ज्यादा घी हो गया, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालिए। और उसी के साथ ही गोल गोल लड्डू बना लीजिए। कभी भी लड्डू बनाने के लिए थोड़ा सा परसन लीजिए और उसको ऐसे प्रेस करते हुए मुट्ठी बांधते रहिए, लड्डू बन जाएगा। और सारे लड्डू एक ही साइज का बनाइए, बड़ा छोटा हो जाता है तो अच्छा नहीं दिखता है। ऐसे प्रेस करते हुए गोल लड्डू बना लीजिए ऐसे। मैं ऐसे ही सारे लड्डू बना लूंगी। सारे लड्डू बनके तैयार हैं, टेस्टी टेस्टी, यमी यमी, मुंह में घुल जाने वाले लड्डू। देखिए कितने यमी, कितने टेस्टी दिख रहे हैं। दिख रहे हैं ऐसे तो खाने में कैसे लगेंगे, मन तो कर रहा होगा खाने के लिए। जाइए बनाइए। और क्या आपने चने के दाल के लड्डू खाया है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ एक और नए टेस्ट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।